अपडेट के बाद गेम में तुम बंदे को नॉक करते टाइम कभी कभी खुद नॉक हो जाते हो नॉक एनिमी से। ऐसे कभी हो सकता है क्या? चलो ट्राई करते हैं। अभी देखो मैं आया हूँ मिल पे और यहाँ पे बहुत सारे बंदे लोग आए हैं। चलो इसी चीज को ट्राई करते हैं। मेरे यहाँ पे एक बंदा है और तेरी भैंस की जेले बंदा खत्म। व्हाट, मैं कैसे डाउन हो गया? ये तो पॉसिबल नहीं है। बट यार मैं जब इस किलफ्रेड को जूम करके देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने जिस बंदे को नॉक करा है वो बंदे नहीं मुझे नॉक करा है। यार ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। बट वाह यार गरीना, तुम्हारे शस्त्र नशे की जय हो एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। नॉर्मल एयरड्रॉप और न्यूमरस एयरड्रॉप पे एक बहुत बड़ा चेंज है। न्यूमरस एयरड्रॉप जब गिरता है नोटिस करना। चलो मेरे सामने नॉर्मल एयरड्रॉप ही गिर रहा है और देख सकते हो ऊपर से हवाई जहाज जाता है और अपना जो एयरड्रॉप है वो धीरे धीरे करके नीचे आता है और यहाँ पे देख सकते हो एयरड्रॉप अपना आ चुका है और मैं इसे लूट रहा हूँ। अब चलते हैं न्यूमरस एयरड्रॉप, मतलब जो अपने को गेम मिशन पे मिलता है। तो देख सकते हो सामने बहुत सारे एयरड्रॉप्स गिर रहे हैं। वाह यार क्या, अरे वेट, उसका जो पैराशूट है ये अभी तक नहीं निकला। यार अभी देख सकते हो ड्रॉप जो है वो पूरा पूरा नीचे आ चुका है और इसके पैराशूट नीचे घूम रहे हैं। ये क्या चीज है यार, ये बहुत क्रेजी है। आप लोग अभी देखियो नोटिस करें तो मुझे नीचे कमेंट में बताना। और ये वाला जगह देखो, यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा तीन एयरड्रॉप जो है वो सामने आए, पूरा का पूरा नीचे आके खड़े हो चुके हैं पर अभी भी उनका जो पैराशूट है वो ड्रॉप के साथ लगा हुआ है। बात तुम्हारा सॉर्ट का सच एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। वैसे आपको क्या लगता है नेक्स्ट बार जब मुंबई और सीएसके का मैच होगा तो कौन जीतेगा? वैसे इस बार आईपीएल बस देखो ही नहीं, अपने ओपिनियन शेयर करके प्राइजेस जीतो। lotus365.in वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे लाइक हु विल विन द टॉस, हु विल विन द मैच, और ऐसे ही आपको 50 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्रिकेट से रिलेटेड। तो अभी रजिस्टर करो lotus365 पे और पाओ 365 rupees एब्सोल्युटली फ्री। यहां पे आपको मिल जाता है 1-to-1 कस्टमर सर्विस फॉर 24 आवर्स। 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग लोटस 365 पे अभी गेम खेल रहे हैं और यहाँ पे क्रिकेट इंक्लूड करके 200 प्लस अदर गेम्स है जिसका आंसर आप गेस करके अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत सकते हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा इनके ब्रांड एम्बेसडर। अपना टाइम वेस्ट ना करके अभी रजिस्टर करो lotus365.in पे। बुया के टाइम पे अगर किसी को रिवाइव दोगे तो 1 सेकंड में रिवाइव हो जाएगा, 100% कंफर्म। लेट्स सी इस कंफर्म मिथ को ट्राई करते हैं। मेरे नीचे एक बंदा है और यार इस बंदे से मुझे मरना पड़ेगा ताकि हम लोग इस मिथ को कंफर्म कर पाए। अभी देख सकते हो बंदा जो है वो ऊपर आ रहा है, वैसे मैंने उसे बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया पर अभी मुझे एक ही चीज पे फोकस करना है कि उस बंदे के हाथ से मुझे डाउन होना है। चलो लेट्स गो, मैं उसको फायर देने का स्टाइल दी और यहाँ पे देख सकते हो बंदे मुझे नॉक कर दिया बट मेरे को मरना नहीं है, वो ना मेरा किल उठा सकता है। ओके भाई तू मार ले प्लीज। ओके यार देख सकते हो अपना बुया हो चुका, बचा ले। What? इतनी जल्दी कोई किसी को बचा सकता है? मुझे नहीं लगता कोई किसी को इतने जल्दी बचा सकता है। मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि शायद उसने मुझे टच करा और मैं रिवाइव हो गया। क्या आपको इस चीज के बारे में पता था? नीचे कमेंट में बताना। Hence the myth is confirmed. M24 अपडेट के बाद MA2B की तरह काम करता है। अच्छा मुझे नहीं लगता MA2B तो वॉल के आर पार मारता है बट क्या M24 ऐसा करता है? Let's see, मैं आ चुका हूं M24 लेके ट्रेनिंग ग्राउंड पे और यहाँ पे मैं 2-3 गोली मार। वेट, ये क्या हुआ? What? यहाँ पे तो कुछ गोली ऐसे जा रहे हैं जो कि वॉल के आर पार होके बंदे को डैमेज दे रहा है। वाह यार, ओह माय गॉड, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। आप लोग भी ट्राई करना अब M24 और देखना ये कितना ज्यादा बवाल मचाता है। एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। शिपयार्ड के पास मिल के बीच में एक वाटर एरिया है, उसके अंदर घुस के एनिमी को फायर नहीं कर सकते, वहाँ वाटर डैमेज ऑब्जॉर्व कर लेगा। बट वाटर कभी डैमेज ऑब्जॉर्व करेगा जब मैं बंदे को मार रहा हूँ? मेरे को जितना पता है वाटर में अगर आप किसी बंदे को मारते हो बंदा डायरेक्टली मर जाता है। अब ऐसा तो नहीं पता कि वाटर उसका शील्ड बन जाता है? देखो मेरे सामने एक बंदा, इसकी भैंस का आकर था। ओके 49 के 2 डैमेज उसको पड़े। अब ना उस बंदे को मारने के लिए मुझे वाटर में घुसना पड़ेगा, जैसे कि भैया ने बोला पानी में घुस के अपन बंदे को मार नहीं सकते। चलो उसी चीज का ट्राई करते हैं। देख सकते हो मेरे पास कौन सा गन है, पावरफुल गन, और देख सकते हो मैं इस वॉट भाई वुडपेकर से एक गोली नहीं लग रहा है, सारे के सारे गोली मेरे पानी पे बज रहे हैं। ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? देख लो मैं बंदे को मार रहा हूँ बट मेरे ना एक भी गोली नहीं वहां पे बची। मुझे लगता है बात तुम्हारे साथ का सच है। जब मैं पानी के ऊपर रह के किसी बंदे को मारता हूँ तो मेरा डैमेज पानी पे चला जाता है, पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। आप लोग ट्राई करना और देख लेना। एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। क्लैश कॉर्ड में जब फार्मा डोबी आता है तब एयर ड्रॉप नहीं गिरता, ऐसा भी कभी होता है एयर ड्रॉप नहीं गिरता? मुझे इतना पता है हर राउंड पे एयर ड्रॉप गिरता है बट चलो ट्राई करके देख लेते हैं। अभी हम एक जगह पे आ चुके हैं क्लैश कॉर्ड पे और वो भी नेक्स्ट टाइम आपके। यहाँ पे भी देख सकते हो एयर ड्रॉप गिरा हुआ है। सेकंड राउंड भी चलते हैं, ये वाला जगह पे देख सकते हो एयर ड्रॉप गिरा है। एंड थर्ड राउंड जो कि अपना आ चुके फार्मा डोबिया, यहाँ पर अभी बस देखना है मुझे कि ये जगह पे एयर ड्रॉप गिरता है कि नहीं। मैं यहाँ पे वेट करा बट स्टार्टिंग टाइम से ही मुझे एयर ड्रॉप दिखा देना चाहिए था
चूंकि अभी तक नहीं दिखा है, मुझे लगता है मुझे और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यार वेट करते करते एनिमी से आके मर भी चुका हूँ, बट मुझे यहाँ पर एयर ड्रॉप दिखाई नहीं। मुझे लगता है इसके बाद से ना एयर ड्रॉप आएंगे ही नहीं, बट उसके नेक्स्ट राउंड जब स्टार्ट होते हैं तो मुझे यहाँ पे एक एयर ड्रॉप दिख जाता है, उसके नेक्स्ट राउंड पे भी एयर ड्रॉप दिख जाता है, एंड उसके नेक्स्ट वाले राउंड पे भी, हर राउंड पे भाई एयर ड्रॉप है। मुझे लगता है सिर्फ फार्माटोपिया वाले राउंड पे ही एयर ड्रॉप आता ही नहीं है। क्या आप लोगों ने इस चीज को नोटिस करा था? नीचे कमेंट में बताएं। Hence the myth is confirmed. वुकोंग लो, लोन वुल्फ लगा, वुकोंग की एबिलिटी को डिस्चार्ज कर दो, फिर एबिलिटी पे क्लिक करो, देखना आपका कैरेक्टर खुद ही खड़ा हो जाएगा। ओके, खड़े होने के लिए हम लोग वुकोंग के डिस्चार्ज वाले एबिलिटी को दबाएंगे। लेट्स गो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और अरे मैं जब खड़ा हुआ तो मैं सीधे खड़े होने वाले बटन को नहीं दबाया था, मैं यहाँ पे वुकोंग वाले बटन को दबाया था और मैं खड़े हो रहा हूँ। वाह यार, सच में ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी की कैरेक्टर एबिलिटी को यूज करके हम बैट उठ तो नहीं सकते। चलो सो के ट्राई करते हैं कि मैं जब सोया हुआ होता हूँ और वुकोंग एबिलिटी दबाता हूँ तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। वाह यार, और इसी टाइम पे मेरे अपोनेंट एनिमी ने मेरे साथ टीम अप कर लिया, तो मैंने उसे मैच दे दिया, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। रैम्पेज क्लॉक टावर मोड पे जिपलाइन यूज कर सकते हो। चलो मैं आ चुका हूं रैम्पेज क्लॉक टावर मोड पे और मेरे सामने है जिपलाइन। लेट्स सी, मैं यहाँ पे बहुत इजीली जिपलाइन यूज कर पा रहा हूँ और मैं जोन से बाहर जा रहा हूँ, तो पक्का मुझे अभी मरना पड़ेगा, एंड देख सकते मैं मर भी चुका। तो तुमने बिल्कुल सही कहा, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। ट्रीटमेंट स्नाइपर और AWM का साउंड बिल्कुल सेम है विद रफेल कैरेक्टर। ट्राई दिस, पहले मुझे इन दोनों का साउंड सुनना है कि दोनों सेम है या फिर डिफरेंट। Well, मैंने दोनों ही गन का आवाज सुन लिया और मुझे पता चला कि दोनों का आवाज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेट्स सी, अब इसको रफेल के कैरेक्टर के साथ यूज सुनते हैं। हाँ यार, बात तो तुम्हारा सॉर्ट का सच है, रफेल कैरेक्टर यूज करने के बाद दोनों ही स्नाइपर का आवाज बिल्कुल सेम हो जाता है, hence the myth is confirmed. न्यू मोड आया जिसमें जाओ देखो रैंडम बंदों के पास वी बैच शो करेगा। ओके, क्राफ्टलैंड में जो गन फाइट मोड है वो न्यू मोड है, तो मैं चलता हूँ उस मोड पे और देखता हूँ क्या वहां पे कोई वी बैच वाला बंदा है कि नहीं। वेट, मेरे को किसी वी बैच वाले बंदे का अभी नाम शो करा और उसका नाम है रियल शक्ति 9, और मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई बंदे के पास सच में वी बैच होगा, क्योंकि उसके नाम जो है ना वो बिल्कुल न्यू प्लेयर जैसे दिख रहे हैं। तो आप लोग भी जाके ये मोड खेल लो, तो क्या पता कभी आपके नाम के सामने भी वी बैच लग जाए, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। स्टेप 1 क्राफ्टलैंड गन फाइट मोड स्टार्ट कर, स्टेप 2 वॉर जोन भी A124 कैरेक्टर को लेके जाना, स्टेप 3 मैजिक यू कैन यूज इट अनलिमिटेड टाइम। क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता। देखिए तो मैं क्राफ्टलैंड मोड के गन फाइट मोड पे आ चुका हूं और यहां पे एक और मोड स्टार्ट हो गया, और जब मैं A124 कैबिनेट यूज करता हूँ तो ये अनलिमिटेड बार यूज हो पा रहा है। यार मुझे लगता है इसका तो यूज करके मैं बंदों को भी मार सकता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि A124 का जो एबिलिटी है वो एक शॉट पे 25 का करीब डैमेज देता है। तो मेरे सामने बंदे लोग हैं और या व्हाट, मैंने तो A124 की एबिलिटी से ही बंदे को नॉक कर दिया। चलो यहाँ पे एक और बंदा आ रहा है, मेरी साइड पे आ रहा है, वो ग्लूअल लगाया आ रहा है। देखो मैं उसे एक भी गोली नहीं मारूंगा, बट देखते हैं क्या मैं उसे एबिलिटी से ही खत्म कर पाऊंगा। व्हाट, मैंने विक्ट्री ले लिया यार, इससे बढ़िया दिन मेरे लिए कभी हो ही नहीं सकता। लेट्स गो, मेरे सामने अभी ना फिर से देख सकते हो 3 बंदे आ चुके हैं और इन तीनों को मुझे जाके A124 की एबिलिटी से मारना है। लेट्स गो, डाउन हो जाए यार, बंदा डाउन ही नहीं हो रहा है। ओके, फर्स्ट बंदा जो है वो डाउन हो चुका है, सेकेंड वाले बंदे पे मेरा अभी तलाश है, वो बंदा बहुत पीछे जा चुका है। ओके गाइस, खत्म, दैट्स इट, और एंड वाले बंदे का अभी चैप्टर क्लोज। लो भाई, तीनों के तीनों बंदों को मैंने A124 की एबिलिटी से ही खत्म कर दिया। भाई अब तो आप लोगों की बारी है, A124 की एबिलिटी लेके जाओ और एक गन फाइट मोड में आपको गन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, A124 की एबिलिटी काम कर लेगा। और हाँ, गन फाइट मोड पे आप A124 की एबिलिटी को बार बार हजार बार यूज कर सकते हो, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अगर कोई बंदा होमर मारे तो सिट करके इजीली एस्केप कर सकते हो, सेट करके एस्केप करेंगे और वो भी होमर कैबिलिटी। वैसे तो सबको पता होगा होमर कैबिलिटी जब यूज होता है तो आपका जो स्पीड मूवमेंट होता है वो पूरा पूरा स्लो हो जाता है, जिसके मेरा यहाँ पे हुआ। बट मुझे देखना है कि सिट करने से अपन उससे निकल सकते हैं। चलो चलो चलो, अरे हाँ यार, सिट करने से मुझे लगता है मेरे स्पीड पे कोई भी असर नहीं पड़ा। इस चीज को एक और बार ट्राई करते हैं, मैं भी धीरे धीरे भाग के जा रहा हूँ, बट जब मैं सिट करके चल रहा हूँ तो मैं पटाख से उसके जोन से निकल जाता हूँ। और इस बार फिर से देखो, मेरे जो एनिमी ने उसने फिर से होमर कैबिलिटी यूज करा है और मैं बैट के तरीका लगा के उसके होमर जोन से बाहर निकल आया। आप लोग भी ट्राई करें, एंड द मिथ इज कंफर्म। भाई लैंडिंग के समय जब सरबोर्ड पर होते हो फिर प्लेयर का 5 उंगली की जगह 4 उंगली होते हैं। मुझे अभी ये चीज तो देखना है, क्योंकि 5 उंगली तो मैं देखा हूँ पर 4 उंगली कैसे हो जाते हैं। अब देखिए तो अपन सब प्लेन पे जा रहे हैं और ये वाले जगह पे अपन सबके सब लैंड कर रहे हैं और सरबोर्ड पे वाले जगह पे हूँ,
मैं जब जूम करके देख रहा हूँ पीछे से चार दिख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सामने वाले फिंगर जो है वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, बट यहाँ पे तो पांच उंगलियां हैं। मुझे नहीं लगता आपका बात 100% सच है। मुझे लगता है ये आपने देखने में गलती कर लिया, hence the myth is busted। अपडेट के बाद BR पे भी विनिंग स्ट्रिक लगता है। मुझे जितना याद है अपन लास्ट जब खेले थे तो CS पे विनिंग स्ट्रिक था, और देखिए तो मैं एक ऐसे सिचुएशन पे भी फंस चुका हूँ जहाँ पे अपने तीनों के तीनों टीममेट जो है वो लोग मर चुके हैं, और यहाँ पे मुझे मैच को कुछ भी हालत पे बूया करना होगा तभी जाके मेरा ये स्ट्रिक कम्प्लीट हो पाएगा। फर्स्ट स्ट्रिक यहाँ पे देखो, ये वाले बंदे को कर लिया मैंने खत्म, और ऑल टोटल अभी अगर बताया जाए तो मेरे अलावा और दो ही बंदे बचे। मुझे लगता है मैंने एक बंदे को ट्रेस कर लिया, बंदा खत्म, अब मुझे बस एक ही बंदे को खत्म करना है। लेट्स गो बेटे बेटे बेटे, ओ ये, और मुझे अभी एक और बुया करना है तभी जाके मुझे बुया का स्ट्रिक दिखेगा। चलो चलो चलो, एक और बुया बस अपने को करना है। लेट्स गो, अपन बहुत करीब आ चुके हैं बुया के। अरे ये लो भाई, अपन लोग दो मैच लगातार बुया कर चुके हैं तो इस बार ना मेरे को बुया का स्ट्रिक दिखना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिक कहाँ पे? ओ हाँ यार, ऊपर देख सकते हो बुया का स्ट्रिक आ रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने दो मैच बुया करा है, और अपन जब लॉबी पे खड़े होते हैं तब भी अपने को दो का स्ट्रिक दिखाई दे रहा है जो कि रैंक पे भी स्टार्ट हो गया। आप लोग ट्राई करना, देखना मजेदार चीज है। Hence the myth is confirmed। अगर आप CS में leg pockets equip करोगे तो आप 5 glue gun ले सकते हो। glue gun लेने के एक और नया ट्रिक आ चुका है क्या? Let's see, मैं अभी leg pocket ले चुका हूँ और मैं आ चुका हूँ CS मैच पे, और मैं जब wall खरीदने को देख रहा हूँ तो यहाँ पे तीन की जगह मुझे 5 wall दिखाई दे रहे हैं। वाह यार, ये चीज तो मैंने आज तक नोटिस नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, और क्या आप लोग उनमें से हो? नीचे कमेंट बताना। Hence the myth is confirmed। एंड्रयू के बंडल को इक्विप करो, ग्राफिक्स को स्मूथ करो, ट्रेनिंग में जाओ, देखो जादू, एंड्रयू का बंडल मोटा हो जाता है। वैसे पहले मुझे एंड्रयू के जो बंडल है मैंने उसे इक्विप कर लिया, और नॉर्मली मुझे जाके एक बार ट्रेनिंग को चेक करके आना है। देखो अब मैं ट्रेनिंग आ चुका हूँ और एंड्रयू से बहुत सारी किल भी कर रहा हूँ, और मुझे इसका बंडल बिल्कुल ही सही दिख रहा है। लेट्स गो, मैं भी इसको स्मूथ कर चुका हूँ और मुझे जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड पे। व्हाट, वेट, ये कौन सा ड्रेस है? मुझे नहीं पता, बट जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे आता हूँ स्मूथ ग्राफिक्स करके तो इसका ड्रेस का फूलिया बिगड़ जाता है, और ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके मारने के बाद देख सकते हो ये बिल्कुल फटी सा ड्रेस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इसके ड्रेस में किसी ने इसको बहुत धोया है। आप लोग क्या सोचते हो? नीचे अपने थॉट्स कमेंट में बताना। एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म। शैडो शूटर को सब्सक्राइब करो, एक नहीं चार गर्लफ्रेंड मिलेगी। अच्छा सब्सक्राइब कर लो, मैं आशा करता हूँ आपकी एक गर्लफ्रेंड तो बनी जाए। एंड वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो में बहुत ज्यादा मजा है तो फटाक से लाइक करो, कर दे 15,000 लाइक के लिए आज ही हो जाने चाहिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।